नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं डायबिटीज की सीरीज को देखने के लिए। दोस्तों, प्रथम अभ्यास में हमने बात की मंडूकासन की, फिर द्वितीय अभ्यास में हमने बात की मेरु वक्रासन की। आज हम तीसरा अभ्यास करेंगे डायबिटीज को ठीक करने के लिए, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। बहुत ही आसान अभ्यास है, बहुत ही कारगर अभ्यास है, जबरदस्त है। करेंगे तो इसके जादू को आप महसूस करेंगे। अभ्यास बहुत सिंपल है, देखिए किस प्रकार से करना है। अपने दोनों पैर को सीधा कर लीजिए, गहरा श्वास। अपने एक पैर को फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे रखिए और अपने दूसरे पैर को फोल्ड करके अपने घुटने के इस तरफ रखिए। इसके पश्चात हम जैसे राइट लेग ये मेरी है तो लेफ्ट आर्म को मैं लेके आऊंगा और यहां पर प्लेस करके इस प्रकार से मैं इसको पकड़ लूंगा और अपने राइट हैंड को घुमाकर पीछे की ओर ले जाऊंगा और अपने फेस को मैं पीछे की ओर कर लूंगा। यदि मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं कि ये पोस्चर किस प्रकार से है तो ये पोस्चर दोस्तों इस प्रकार से है। यदि राइट लेग है तो लेफ्ट आर्म ध्यान रखिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए अपने पैर को और इस तरीके से घुमा के पीछे की ओर देखिए। थोड़ा सा आसन को होल्ड करिए और फिर होल्ड करने के पश्चात आप इसको सीधा कर लीजिए। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि राइट और लेफ्ट का बैलेंस बराबर होना चाहिए, तो यदि आपने पहले राइट से किया है तो फिर लेफ्ट से कीजिए। दोस्तों, 3+3 या 5+5 का अभ्यास जरूर कीजिए। दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए और आप पाएंगे कि आपकी डायबिटीज ठीक होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, विश्वास मानिए, ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है और इस ज्ञान को बांटना ही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। सीखिए और सिखाइए और पूरे विश्व को उज्ज्वल बनाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और पूरे विश्व को उज्ज्वल बनाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेट लाइफ अहेड।